subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello viewers, मैं डॉक्टर विकास गोतान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपार से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं अपने संस्थान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपार के बारे में आपको संक्षिप्त में कुछ बताना चाहूंगा, आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहां पे जितनी ट्रेड्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, प्लेसमेंट्स के बारे में, एल्युमिनी मीट और यहां पे जॉब फेयर्स उनके बारे में, और साथ में हमारी एक सक्सेस स्टोरी छोटी सी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ट्रेड्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, चार हमारी कोर ट्रेड्स हैं और एक साथ में MLT है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही मेडिकल के क्षेत्र में हमारे छात्रों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके बाद प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, पूरा कोर्स करवा देते हैं और साथ में उनके लिए प्लेसमेंट का भी हम पूरा प्रबंध करते हैं। यहाँ हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर्स डिपार्टमेंट होता है पूरा का पूरा, जो इस बात को अच्छी भली भांति से मॉनिटर करता है कि सर्वांगीण विकास बच्चे का हो और इंटरव्यू स्किल डेवलपमेंट हो और साथ में उनके जो हमारी इंडक्शन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो उसमें बच्चे में इम्प्रूव हो, जिससे कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट हो उसके। तो उसके लिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन की 84% प्लेसमेंट है ओवरऑल, और बाकी हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे भारतीय नौसेना में, भारतीय थल सेना में और साथ में अदर्स जो फोर्सेस हैं उसमें भी सिलेक्शन होता रहता है बच्चों का, और वो टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर सिलेक्ट होते हैं। और अभी अभी हमारे यहाँ एक बच्चा था जिसका नाम यश कलकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसका NDA में सिलेक्शन हुआ था, जो कि हमारे संस्थान के लिए एक बहुत ही प्राइड का और हमारे गर्व का विषय है। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जॉब फेयर्स का भी आयोजन होता रहता है, जो हमारा डिपार्टमेंट समय समय पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में करता है, और जो हमारा बच्चे हैं, जो पास आउट बच्चे हैं, उनको हम यहाँ से जॉब फेयर में पार्टिसिपेशन के लिए लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से सिलेक्शंस होती हैं, वेल्सपन, हेला इंडिया, LNT, बजाज इंडिया, हिताची और मारुति, जो कि हमारी इंडिया की लीडिंग कंपनीज है, उसमें हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है और बहुत ही ब्राइट कलर्स के साथ होता है। मैं इसमें आपके साथ एक और कहना चाहूँगा कि जॉब फेयर्स का भी आयोजन होता रहता है, बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्टाफ के साथ जाते हैं। जैसे हमारे अब की बार मोस्टली स्टूडेंट्स जो गए थे मूर्थल, मानेसर, वहाँ पे जॉब फेयर में, और वहाँ पे काफ़ी सिलेक्शन बच्चों की हुई है। इसमें सक्सेस स्टोरी में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी अचीवमेंट है, जो सरकार ने संस्थान में फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, उनको हम साथ में मैं कुछ संक्षिप्त में आपको कहना चाहूँगा। एक तो बस पास की फैसिलिटी है, स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है, यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटीज़ हैं, और बढ़िया यहाँ पे बिल्डिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, और सारी लैब्स, इक्विपमेंट्स वगैरह फंक्शनल हैं सारे। हमारे स्टाफ मेंबर बड़ी मेहनत करके उनको चालू रखते हैं और उनको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल की नॉलेज करवा करके उनका जो पढ़ाई का मकसद है, जो एम है, उसको पूरा करते हैं। सारी हमारे लैब्स वगैरह सब फंक्शनल हैं। और इसके साथ में सक्सेस स्टोरी में ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो रूरल एरिया के अंदर है, और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और वो बच्चे स्टार्टिंग में हरियाणवी ज़्यादा बोलते हैं और उनका बेस हरियाणवी होता है, तो सबसे पहले हम उनको लैंग्वेज लैब के माध्यम से बच्चों को पहले हरियाणवी लैंग्वेज को छोड़ करके हिंदी और इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से करवा करके, और उनको हम इस लायक बनाते हैं कि उनके अंदर इंडक्शन स्किल पैदा करते हैं, उनके अंदर इंटरव्यू स्किल पैदा करते हैं, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप करके और उनको इस लायक बनाते हैं कि वो आगे जा कर के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अंदर इंटरव्यू में सक्सेस पा सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। मैं ये सभी बच्चों से, अभिभावकों से ये
कहना चाहूँगा कि संस्थान में आपको बहुत ही अच्छा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मिलेगा, सारे वर्किंग और आपको कोऑपरेटिव स्टाफ है और सारी जो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए वो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।